गैस कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मेरा नाम है रामकिशन और आप देख रहे हैं श्री कृष्ण ऑटो सर्विस में आपका स्वागत है। चलिए आज का जो टॉपिक है ये टूल्स के ऊपर है। हम बताएंगे टूल्स क्या होता है, क्या नहीं होता, और बच्चों के लिए ज़्यादातर पर है ये, क्योंकि बच्चे जो लोग कम सीखते हैं उनको ज़्यादातर पता नहीं चलता कि कौन से टूल कहाँ पर लगते हैं कहाँ पर नहीं। तो हम उसको समझाने के लिए बेसिक करके ये वीडियो बनाया है। चलिए शुरू करते हैं और जरूर ध्यान रखिएगा, ये मेरा चैलेंज जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करते रहिए और मेरा चैनल को देखते ना भूलिए। ये सारा टूल्स है हमारा गैरेज का, सारा टूल्स है। देखिए चलिए हम आप बताएंगे टूल्स क्या नाम है हर एक टूल का। ये देखिए 30-32 का चाबी है, 30-32 का चाबी, 27-26 का चाबी है ये, ठीक है, 25-28 का चाबी है, इसको चाबी कहते हैं पूरा। 6-7 से लेकर 30-32 तक चाबी होता है, ठीक है। हमारा गैरेज का काम में यही लगता है भाई का गैरेज में। और अब बात करते हैं इसके बारे में। ये हो गया पाना, 30-32 का पाना, 30-32 का ये पाना हो गया। ये है 26-27 का पाना, ठीक है, इसे पाना कहते हैं, ठीक है। अब बताएंगे क्या ये टी रेंच, इसको टी रेंच कहते हैं। टी रेंच देख सकते हैं आप, ये 12 का टी रेंच है। ये देखिए 12 का टी रेंच है ये, ठीक है। अब दोस्तों बताएंगे ये 8 नंबर का टी रेंच है, 8 नंबर का टी रेंच। ये जैसे कि ये खराब हो गया था यहाँ से, तो हम एक गोटी लेकर इसमें से पॉइंट मारा, छलाई किया हमने, ठीक है। अब बताएंगे कि ये किस काम का आता है, ठीक है। ये जो कूलर है ये किस काम का आता है, ये एक हद से हो जाता है। इसको नहीं चाहिए तो फिर भी चलता है, इसको चाहिए होता है, ठीक है। ये क्या है दोस्त, हम बताएंगे कि ये क्या है। सबसे ऊपर वाला यही जो है ये मैग्नेट खोलने वाला है। ये तो हो गया मैग्नेट पकड़ने वाला, ये तो हो गया मैग्नेट पकड़ने वाला। अब ये जो है मैग्नेट खोलने वाला है, ठीक है, हर एक गाड़ी का है। जैसे कि ये हो गया स्प्लेंडर का हो गया, ठीक है, स्प्लेंडर का हो गया, ये अचीवर का हो गया, काफ़ी गाड़ी का है। ये जो है देखिए एफजेड का है, सारा गाड़ी का है ये मैंने खोलने वाला, ठीक है। और हम बताए ये क्या है भाई, अरे भाई ये क्या है, ये है वाल्व हेड में जो वाल्व जब बिठाते हैं इसको वाल्व बिठाने वाला, इसका जो ये बड़ा हुआ इसमें लगता है यहाँ पर, ये मेरा ख़राब है, ठीक है, ये ख़राब है, ये यहाँ पर लगता है टाइट। बहुत जाम होता है, कुछ खोल नहीं पाते हम लोग, तो इसको हम थोड़ा सा एक स्क्रू ड्राइवर था टूट गया था, तो उसके वजह से हम इसको इसमें पॉइंट कर लिया था, पॉइंट करके इसमें झला के फिर टी रेंच बनाया, ठीक है। तो हम इसको आसानी से हम खोल सकते हैं, इसको टी रेंच है ये स्क्रू ड्राइवर टी रेंच, ठीक है। तो अब बात करेंगे स्क्रू ड्राइवर, तो हो गया गोटी के बारे में बताएंगे। इसको कहते हैं गोटी, ये पूरा जो एक गोटी है ये, इससे क्लच खोलने वाला, क्लच का नट खोलने वाला हो गया ये, इससे तो क्लच का हम पकड़ सकते हैं। ये मैग्नेट का खोलने वाला है, अब ये जो है एक क्लच का नट पकड़ के खोलने वाला, ठीक है, इसको नट खोल के ये हो गया, इसका नट खोलते हैं, ये सब जो है नट खोलने वाला, ठीक है। ये हो गया और एक कहाँ, ये तीनों हो गया नट पकड़ने वाला, ठीक है, ये तीनों से नट हम पकड़ सकते हैं क्लच का। चलो ये भी हो गया। अब ये जो है गोटी है, कोई भी रेंच को मतलब खोल सकते हैं कुछ भी, 22 नंबर का हो गया ये, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं इसको क्या खेलते हैं, इसको ये क्या है भाई, ये क्या है, ये सॉकर रॉयल सील बिठाने वाला है, ठीक है। तो इससे हम सॉकर रॉयल सील बिठाने में बड़ी आसानी होता है, इसको हम सॉकर रॉयल सील जो बिठाएंगे बड़ी आसानी से बैठ जाएंगे, इसे भी बिठा सकते हैं हम लोग, इसमें बोल्ट सर भी बहुत अच्छी तरह से बैठता है ये, ठीक है। ये तो हो गया भाई, इस कहते हैं इसे, ये टैली बार हो गया। चलिए अब ये जो है हथौड़ी के बारे में बताएंगे, ये हथौड़ी हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये तो स्पेशल हथौड़ी है, फाइबर का हथौड़ी होता है, इसके हर जगह पे यूज़ नहीं करना चाहिए इसको,
जब इंजन बांधेंगे ना तब इसको हल्के हाथ से चोट मारेंगे, तभी ये कुछ कम पे आता है। ठीक है, ये है शॉकर खुलने वाला, सामने शॉकर खुलने वाला, ये हो गया। देखिए ये शॉकर जो है ना हम खोल सकते हैं, हीरोंडा साइन गाड़ी का ये खोल सकते हैं हम शॉकर। ठीक है, ग्लैमर वगैरह खोल सकते हैं। एफजेड का, ये एफजेड का शॉकर खोल सकते हैं हम, क्लास शॉकर एफजेड का हो गया। तो कई लोग क्या करते हैं तो लेस भी जाके खोल लेते हैं, अपने गैरेज में नहीं भी नहीं खोलते, लेस भी जाके खोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम खुद खोलते हैं। ये जो है ये हो गया टूल्स, इसके मदद से हम खोल सकते हैं, लेस भी ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो और एक हो गया सुजुकी जिक्सर का, सुजुकी जो जिक्सर है न्यू मॉडल। तो मैं पहले बार खोलने गया तो बड़ा दिक्कत हुआ, तो हमने क्या किया, एक आइडिया बना के ये टूल्स मैंने खुद बनाए। ये टूल्स जो है ना ये मैंने खुद बना लिया। ठीक है, सुपर खोलने वाला ये 22 नंबर का एक नाट लगे ना, मैं इसमें पॉइंट मार दिया। ठीक है, तो ये मैं नॉट खरीद के लाया था, खरीद के लाने के बाद ये लॉक वेल्डिंग कर दिया, फिर मतलब हो गया, ये तैयार हो गया। तो इससे बड़ी आसानी से खुल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 22 नंबर का, 22 नंबर का ला के मैं पॉइंट मार दिया, हो गया। भाई देखिए ये जो टूल्स है ना, ये ब्रेक का खुलने वाला, ये सामने पिछला ब्रेक खुलने के लिए ये 14 नंबर का पाना से खुलने में बड़ा दिक्कत होता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो इसके वजह से हमने ये बनाया। देखिए ये जो है ना, ये प्लग हो जैसे खुलने वाला, ये लंबा सा इसको लेकर बनाया। ये भी लंबा सा होगा क्योंकि ये घुसाने में बड़ी लंबा चाहिए, नहीं तो फिर घुसेगा नहीं। तो ये टी बनाया मैंने, बहुत जल्दी खुल जाता है इसे। ठीक है, तो अब इसको कहते हैं स्कापर कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसको स्कापर कहते हैं। ये है स्पंज, ये पंच कहीं भी मतलब बड़ा करने के लिए जगह, जैसे कि बैरिंग बिठाने वाला है वो जगह बहुत बड़ा हो गया, इसको इससे हम इसे फिल्डर गेज कहते हैं। ठीक है, ये वाल्व का क्रिएशन जो है, वाल्व जो क्लियर होता है इसको मापने के लिए होता है। ठीक है, एक मतलब कई तरह के साइज होता है फिल्डर गेज, इससे हम वाल्व का क्रिएशन जो है वो नाप सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं फिल्डर गेज। ठीक है।